आज हम डिफरेंशिएशन का एक NCERT का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इसमें दिया क्या गया है, y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x एक फंक्शन दिया गया है। तो हमें कुछ सिद्ध करके लिखाना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये डबल डेरिवेटिव है। तो हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखिए पहले फंक्शन दिया है y बराबर sec x प्लस tan x लिख लेते हैं। इसका x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, dy अपॉन dx, इसको d अपॉन dx sec x लिख सकते हैं, प्लस डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, क्योंकि इसको तो हम अलग अलग कर देते हैं ना जब प्लस में होता है तो, ठीक। यहाँ sec x का क्या हो जाएगा, sec x दो टेन एक्स, प्लस टेन एक्स का क्या होता है sec स्क्वायर x, यहाँ से sec x को मनाएगा तो ये क्या बचा, टेन एक्स प्लस sec x, ये आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स। हमको क्या लेकर आना है, हमको करना है डबल डेरिवेटिव। तो अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर हम अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको फिर से करेंगे डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स sec x और ये क्या होगा tan x प्लस sec x। यहाँ क्या है, दो फंक्शन लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई में, sec x है एक और दूसरा क्या है tan x प्लस sec x। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही sec x ऐसे ही रख दिया, डिफरेंशिएशन किसका डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स प्लस sec x का, फिर प्लस, फिर सेकंड फंक्शन ऐसे ही sec x प्लस tan x ऐसे ही, और फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ d अपॉन डी एक्स लिख दिया, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे sec x का, sec x, ठीक है ना। तो यहाँ ये d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये sec x ऐसे, यहाँ tan x प्लस sec x का डिफरेंशिएशन अभी किया है ऊपर, देखिए यहाँ sec x प्लस tan x का क्या आया था sec x और ब्रैकेट में tan x प्लस sec x, तो फिर से इसकी जगह यही लिखते हैं। तो यहाँ sec x और ब्रैकेट में tan x प्लस sec x यही आया था ना, लिख दिया प्लस, ये sec x प्लस tan x लिखा हुआ है ना, sec x प्लस tan x, और sec x का क्या जाएगा फिर डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x है, यहाँ प्लस sec x tan x है, तो इसको बाहर निकाल देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, और बाहर क्या रहेगा हमारा sec x प्लस tan x, ये जो ब्रैकेट है ये वाली ये हमने बाहर निकाल दी, उठा दी, और ये क्या बची यहाँ पर sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखें sec x और कॉमन आ रहा है तो sec x और कॉमन निकाल दिया, तो बचा क्या यहाँ sec x प्लस tan x यहाँ बचा, और एक ब्रैकेट ये है sec x प्लस tan x का, तो ये क्या हो गया इसका होल स्क्वायर, ये क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हमको सिद्ध कुछ और करना है। दिया गया है यहाँ पर cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर, तो क्या करें इसमें sec x को लिख दिया 1 अपॉन cos x, और ये क्या लिख दिया 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x का होल स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो गया 1 अपॉन cos x और अंदर 1 प्लस sin x अपॉन cos x का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया यहाँ 1 अपॉन cos x इंटू ये 1 प्लस
साइन एक्स का होल स्क्वायर अपोन ये क्या है कोस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि कोस एक्स के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अब क्या कर देंगे इसका, वन अपोन कोस एक्स ऊपर वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपोन इसे क्या लिख देंगे, वन माइनस साइन एक्स और वन प्लस साइन एक्स, तो वन प्लस साइन एक्स से वन प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा हमारा, वन प्लस साइन एक्स अपोन कोस एक्स और नीचे वन माइनस साइन एक्स। अब क्या कर देंगे, ऊपर वन माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और वन माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ऊपर क्या बन जाएगा, देखो वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स क्या हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और अपोन नीचे कोस एक्स, और ये क्या हो गया, वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये कोस एक्स है एक कोस एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया हमारा, डी स्क्वायर वाई अपोन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स अपोन वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ओके।